उत्तराखंड के उत्तराकाशी में हुए बस हादसे में 2 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक पन्ना जिले के थे। परिजन चतुरेश पांडे ने बताया कि उनका भाई अवधेश पांडे, भाभी शकुंतला पांडे और बहन और जीजा बद्रीनाथ धाम दर्शन के लिए गए थे। टीवी के माध्यम से बस हादसे की जानकारी मिली है। हम सब परेशान हैं। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहा मृतकों के परिजनों ने। अब जो टीवी के माध्यम से हमको खबर लगी है, बाकी हमारे बड़े भाई अवधेश पांडे जी, भाभी शकुंतला पांडे, तो जिस बस में ये हमारे घर के लोग थे उसी बस के द्वारा ये घटना हुई है, वही बस गिरी है। और थोड़ी देर से प्रशासन के अधिकारियों का आना चालू हो गया। पवई टीआई साहब भी आए थे, तहसीलदार मैडम जी बराबर 4 घंटे बैठी रही, सभी सांत्वना देती रहे। 10-50 लोग गए गाड़ियों लेके कि चलो उत्तराखंड चला जाए, तो उन्हें सांत्वना दी कि आप लोग मत जाइए, हम लोग हैं आप लोगों की तरफ से। ये घटना कल शाम को 7 बजे करीब हम लोगों ने टीवी पर देखा समाचार में, उत्तराखंड में जो भी बस गिरी है खाई में, उसमें मेरे जेठ जेठानी और मेरे समधी समधन और मेरे ननंद और नंदोई कुंवरपुर से समधी और समधन थे, छोटी बहू है जो जेठ जी की, उनके माँ बाप, तो इन सब का कुछ भी किसी भी तरीके से अभी तक में हम लोगों को जानकारी नहीं आ पाई है। तो ये तो संभव मुश्किल ही है कि सकुशल होंगे, क्योंकि टीवी में इस तरीके से बताया जा रहा है। तो अब जो भी हुआ हो, शासन से मदद तो पर्याप्त मिल रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं टीवी बराबर, तो सब कुछ जानकारी लगती है कि बड़ा ही अच्छे तरीके से सब शासन यहाँ से जो ब्रजेंद्र भाई साहब और हमारे क्या बोलते हैं बीडी भाई साहब सब पहुँच गए और कर रहे हैं मदद। सीएम सर पहुँच गए हैं, मोदी जी हमारे लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी, इनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। चलिए इस समय उत्तराखंड से एक और बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख करते हैं।